वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा मैं लेट्स बिगिन द टॉपिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे प्रोनाशिएशन पे डिपेंड होते हैं बेसिकली जितना अच्छा हमारा प्रोनाशिएशन होगा उतना ही अच्छा हम उन साउंड्स को हम क्या कर पाएंगे वर्ड को हम किसमें ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे उसका ओके तो हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ड हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनसिएशन ऑफ द वर्ड लेट्स बिगिन द टॉपिक देखिये ये जो है हमारा एक होता है आई पी ए इसका मतलब होता है यानी कि ये वाला जो है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन जो है एसोसिएशन है जो क्या है आई पी ए एक संस्था है उसने इस नाम को आई पी ए को एक इंडिकेट किया है इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन न होकर एसोसिएशन तो एक संस्था का नाम है एसोसिएशन न होकर आपको यहां क्या लिखना है अल्फाबेट ओके okay? जब भी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए देन यू हैव टू कंसीडर दैट इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ओके okay? यहां पे फोनेटिक में हम फोनेटिक नहीं बोलेंगे उसको हम फोनेटिक बोलेंगे ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए ये जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो होते हैं वो हमारे साउंड पे डिपेंड होते हैं बेसिकली जो हमारे साउंड होते हैं यानी कि वर्ल्ड और कॉन्सोनेट ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं और वो जो ट्वेंटी सिक्स लेटर हैं उन्हीं को हम अगर साउंड में ट्रांसक्रिप्ट करें यानी कि उन्हीं को हम साउंड से आइडेंटिफाई करें तो जो तो, हमारा जो फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस पे डिपेंड है साउंड्स पे डिपेंड है वो वो साउंड्स जो होते हैं वो हमारे 44 साउंड होते हैं कितने साउंड होते हैं 44 साउंड होते हैं उन 44 साउंड को हम कितने भागों में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहले कॉन्सोनेंट सबसे पहले जो होते हैं वो कितने हो गए हमारे ट्वेंटी फोर साउंड हो गए ठीक है उसके बाद में जो वोवल्स साउंड होते हैं कि कौन से साउंड होंगे वोवल्स साउंड होते हैं वो कितने होते हैं ट्वेंटी होते हैं ठीक हो गया ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी फोर टोटल साउंड कितने हो गए फोर्टी फोर हो गए अब देखिए ये जो वोवल्स साउंड होते हैं उन्हीं को हम दो भागों में डिवाइड किया है एक तो कौन सा हो गया प्योर वोवल। कौन सा हो गया प्योर वोवल्स हो गया उसको हम क्या बोलेंगे मोनोफॉन्ग क्या बोलेंगे इनको मोनोफों बोलेंगे मोनोथोंक्स कितने हो गए ट्वेल्व हो गए उसके बाद में दूसरा जो हमारा आता है वो आता है डिप डिपथोंग्स कितने हो गए एट इनको हम ग्लाइड थोंग बोलेंगे ग्लाइड साउंड भी बोलेंगे इनको यानी कि ये आपसे पूछे ग्लाइड इसलिए बोला है इनको बिकॉज ये दो वोवल साउंड से मिलकर बनते हैं ये अकेले प्योर होते हैं समझ आया देखिए वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं साउंड हमारे होते हैं 44 44 साउंड में सबसे पहले हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं 24 फोर कॉन्सोनेट साउंड के बाद में वोवल साउंड होते हैं वो 20 होते हैं ओवल साउंड के अंदर हमारे प्योर वोवल होते हैं उनको बोलते हैं मोनोपथंग बोलते हैं वो होते हैं ट्वेल्व होते हैं और हमारे डिप जो होते हैं वो एट होते हैं उनको हम ग्लाइड क्या बोल सकते हैं ग्लाइड साउंड भी बोलेंगे उनको समझ आ गया अब हम वन बाय वन करके हम इन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे सिखेंगे कि, कि किस साउंड का किस सिंबल का कहां पर यूज करेंगे ओके देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने कॉन्सोनेंट साउंड लिखे हैं कौन से साउंड लिखे मैंने कॉन्सनेंट साउंड लिखे हैं जो कितने हैं ट्वेंटी फोर होते हैं ये हैं जिस तरह से पै ब ड जो होता है वो अड़े नहीं होता है ड होता है अड़े का कोई भी साउंड नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद में कै देखिए जे के तीन साउंड होते हैं जे के कितने साउंड हो गए तीन हो गए ज के तीन साउंड कैसे कैसे यूज होंगे आई विल लेटर, फै यहाँ पे क्या हो गया व व के टू साउंड होते हैं यहाँ पे व आ गया फिर उसके बाद में थै द और एक होता है अंग ये साउंड है अब इनको वन बाय वन करके समझेंगे कहाँ कहाँ इनका यूज करना है देखिए पै का होता है पी सबसे पहले जैसे ही आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हो जैसे ही आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपको दोनों साइड में इस तरह से ये स्लेस डाल के आपको उसको बंद करना है आपको एग्जाम में भी मिलेंगे तो भी इस तरह से बंद किए हुए मिलेंगे क्लियर हो गया अब देखो पै का क्या आ गया पी मैंने लिखा पैन तो यहां अंडरलाइन के नीचे मैं लगाऊंगा जहां जिनका साउंड निकलता है फिर मैंने लिखा यहां पे पीपल. पीपल आ गया तो यहां पे पै आया यहां पे क्या आया पै आया तो जहां पै का साउंड निकलेगा वहां पे हम पी का यूज करेंगे इज इट क्लियर नेक्स्ट देखिए बे आ गया बे का बी जैसे मैंने लिखा बॉल फिर मैंने लिखा बुक तो देखो जहां पर भी बी का साउंड निकले यानी कि हम बे बोले वहां पर इस वाले बी सिंबल का साउंड का यूज करेंगे उसके बाद में क्या आता है ट ट का टी जैसे आप लोग लिखोगे टी ई ए, -ए सी एच टीज फिर क्या हो गया टी ए सी एच ई आर टीचर तो यहाँ टे आया यहाँ टे आया फिर यहाँ पे जैसे कि कॉट टे आया तो जहां पर भी टे का साउंड निकले वहां हम इस वाले टी सिंबल का यूज करेंगे उसके बाद में आता है ठीक है डे का जहां पर भी जैसे मैंने लिखा डी यहाँ डल डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर जोक्टर में डी लगा यहाँ पर भी डी लगा तो जहां पर भी डे का साउंड निकले वहां हम डी सिंबल का यूज करेंगे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है कॉन्सोनेंट 24 होते हैं प्योर जो है ये अकेले अपने आप में ही प्योर कॉन्सोनेंट होंगे इट मींस अकेला साउंड आएगा जैसे कि कै का के ट का टी डे का डी ठीक है सिंपल है याद करने में इजिली आप लोग इनको लर्न कर सकते हो जैसे कि मैंने लिखा यहां पर कै का के आ गया तो यहां कम हो गया कम में क्या गया? आ गया सी आया लेकिन साउंड क्या निकल रहा है कै तो साउंड कै निकल रहा है तो यहां पे हम कै का यूज करेंगे उसके बाद में जैसे मैंने लिखा यहां पे बुक बुक में यहां ये देखो कै आया है तो ये वाले साउंड का यूज करेंगे उसके बाद में क्या आ गया गै गय का क्या हो गया जी ठीक है गै गय का क्या हो गया जी हो गया जैसे ही गय का साउंड निकले वहां जी का यूज करना है जैसे गय के लिए साउंड में आ गया बी ई जी आई एन बी ई जी आई एन बिगिन गे आया है उसके बाद में गेट गय गे आया है ठीक है इस तरह से गेन जी ए आई एन गेन जी में गे का का साउंड साउंड आया है जहां पर भी आए वहां हम किसका यूज करेंगे जी का यूज करेंगे ठीक है भैया उसके बाद में चय आया है तो देखिए चे आया है तो टी ई ए सी एच यहां जो चय है सी एच से मिलकर और साउंड निकले चय का तो हम यहाँ पे ये यह जो टी है और उसमें इस तरह से ये स वाला जो है ये ध्यान रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सी एच यू आर सी एच ये चा आ गया ये चया आ गया ये चाह गया तो इनमें हम किसका यूज करेंगे इस टी और ये वाला जो एस का आता है उसका यूज करेंगे क्लियर हो गया नेक्स्ट है यहाँ पे डी और जेड देखो जय जो होता है उस जय के तीन साउंड होते हैं एक तो जय का क्या हो गया यहां पर ये वाला है एक जय का क्या हो गया यहां पर ये वाला है दूसरे जय का क्या हो गया कहां पर है ये वाला है इन तीनों जय को समझने के लिए देखो यहां पर क्या आता है जैसे कि इस जय का तो क्या हो जाएगा जू क्या हो जाएगा जू जहां पर जेड आए जहां पर जेड आए जैसे ओ डबल पी ओ एस आई टी ई ओपोजिट जे ठीक है ना जिसपे ज्यादा जोर दिया जाए समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग क्या हो गया जू ऑपोजिट ठीक है इस तरह का जो पूरा जे निकल के आपके सामने आता है तो हम अकेले जेड का यूज करेंगे जहां पर जय आता है ठीक है जेड इसमें जू में जेड आ गया ओपोजिट में जेड आ गया जैसे कि एक दो वर्ड और लेके देखते हैं जैसे मैंने लिखा यहां पे पजल पी यू डबल जेड एल तो यहां पे इस पजल में भी क्या आ गया जेड का साउंड आया है ठीक है तो यहां पर इस जय पजल यहां जय आए तो आपको इस जेड वाले साउंड का यूज करना है समझ आ गया उसके बाद में देखिए ये है डी जेड ये एक इंपॉर्टेंट है बहुत बार इसमें ये वाला पूछा जाता है डी और जेड जहां पर जज जैसे मैं लिखू यहां पे जोइन लिखा मैंने क्या लिखा जे का साउंड आया है जज लिखा मैंने जे यू डी जे यू डी जी ई जज तो यहां पर ये जो तो जे है ये वाला और ज़ी ई यानी कि जहां जे आए जहां जी ई आए और साउंड किसका निकले जे का निकले उसका हम सिंबल है उसका हम साउंड में सिंबल कौन सा यूज करेंगे डी जेड का करेंगे क्लियर है समझ आ गया यानी कि जे जे के बाद में जी साउंड निकले जे का सिंबल लगाना है डी जेड उसके बाद में आता है हमारा ये वाला जय इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जहां पर सय की साउंड आए सह जयकर साउंड का मतलब क्या हुआ यहाँ मैंने लिखा सी एल ओ यू एस e आर क्लोजर हो गया ठीक है उसके बाद में क्या हो गया एम ई एस यू आर ई मेजर हो गया मिलकर जहाँ साउंड बनाता है उसमें हम इसका यूज करेंगे जैसे कि मान लीजिए टी आर ई एस u आर e, ट्रीजर हो गया ट्रीजर तो देखिए यहाँ इन इनके साथ में जो साउंड निकलता है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे इस वाले का यूज करेंगे क्लियर हो गया इनके देखिए हम साउंड का ट्रांसक्रिप्शन जो है जितने भी वर्ड्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है हम उसके बाद में नेक्स्ट में करेंगे उसके बाद में आता आपका फे फ का मतलब क्या हो गया जैसे मैंने लिखा यहां पे एफ आर यू आई टी फ्रूट तो देखो फ आया है ठीक है उसके बाद में एफ ए एल एल f आया है ठीक है मैंने लिखा यहां पे जैसे कि मान लीजिए हमारा ये फोनेटिक है फ तो ph को मिलाकर यानी कि ph भी मिलकर अगर फ बनता है तो उस फ के साउंड का सिंबल है f यूज करेंगे क्लियर हो गया उसके बाद में आता है व देखिए व के भी दो होते हैं व के भी कितने होते हैं दो हो गए उसके बाद में वह का जैसे वी हो गया तो इस वी में जैसे मैंने लिखा यहां पे वी आई एस आई टी विजिट ठीक है उसके बाद में मैंने लिखा वी ए आई एन वे तो देखो इसमें भी वी आए इसमें भी वी जहां पर वी आए साउंड निकले व का आपको यूज करना है वी दूसरा जो व है वो कौन सा हो गया ये डब्ल्यू दूसरे वे का साउंड क्या निकलता है डब्ल्यू निकलता है तो जहां पे डब्ल्यू आए और साउंड निकले किसका का। जैसे मैं यहां पे लिखू वन फिर मैंने यहां पे लिखा वे ओके तो W आ गया W आ गया फिर मैंने लिखा यहां वन उसमें भी वह आया ना O N E वन वन में भी क्या आया है O आया है बट साउंड किसका निकल रहा है वे का तब भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा डब्ल्यू का यूज करना पड़ेगा क्लियर हो गया यानी कि वे के भी दो होंगे जहां पे वी आए और उसके बाद में साउंड व का निकले हमें वी का यूज करना है जहां डब्ल्यू आए या फिर ओ आए साउंड किसका निकले वे का निकले हमें किसका यूज करना है W साउंड का यूज करना है W सिंबल का यूज करना है हमें उसके बाद में देखिए थे जैसे मैंने लिखा यहां पे थिंक फिर मैंने लिखा यहां पे थॉट ठीक है तो यहां पे टी मिलकर यानी कि जहां पर थे का साउंड निकलता है उस थे के साउंड के लिए ये जो थिट्टे जैसा होता है उसका यूज करेंगे क्लियर हो गया उसके बाद में आता है द का ये एक ऐसा होता है यहां पे इस तरह से करके और यहां ये जैसे मैंने लिखा दिस फिर मैंने लिखा दैट फिर क्या आ गया दीज, फिर क्या आ गया दोज, तो यहां पे देखो टी एच है वो का साउंड दे रहा है यहां पे आपके जो रीट टू थाउजेंड उसमें आ, आपका जो थे ना इलेवन वाली 15 वाली 16 वाली 18 वाली उनमें भी इस तरह के पूछे हुए हैं यहाँ पर टी एच इनके साउंड पूछे हुए हैं तो ध्यान रखना जहाँ पर टीएच का साउंड निकले यानी कि दय का साउंड निकले तो वहां उसका सिंबल ये वाला यूज करेंगे इज इट क्लियर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सह का तो सह का मतलब क्या हो गया जहाँ पे पूरा स आए देखो उसके बाद में आपका आया स तो जहां पर पूरा स आता है यानी कि फुल जो स आता है जैसे मैं यहां पे कर लिखू सी आर ओ एस एस तो यहां पे एस आ गया पूरा जहां पे आता है सून एस आ गया इस तरह से फुल जो से का साउंड निकले वहां इस एस वाले सिंबल का यूज करेंगे समझ आ गया उसके बाद में देखिए अगला जो आपका आता है वो कौन सा आता है स यानी कि ये वाला स जैसे मैं यहां पे लिखू एस एच आई आर टी ना यहां पे मैं लिखूं एस एच डब्लो टी सट ठीक है तो यहां एस एच आई और साउंड किसका निकले स ये वाला साउंड निकले या फिर आधा जो स आता है आधा जो स होता है उसका सिंबल हम इस तरह से करेंगे ये ध्यान में रखना पूरा स नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये है इस तरह से है देखो दिख रहा क्या ठीक है इस तरह से ये वाला पूरा स है और ये वाला इस तरह से ऐसे करना आपको ठीक है उसके बाद में है, है का क्या बच गया जहां पे है का साउंड आए होम हाउस ठीक है इस तरह से जहां है आए वहां पे एच का साउंड करेंगे जहां मैं आए मैं मेट, ओके मॉर्निंग मै का साउंड है उसमें इस मैं सिंबल का यूज करेंगे ने आए अणे नहीं होता है ये ध्यान रखना अणे कोई भी वर्ड नहीं होता है कोई भी साउंड नहीं होता है कोई भी सिंबल नहीं होता है आपको इस ने का यूज़ करना है तो एन का यूज करना एक होता है न एक होता है अंग देखो ये नीचे लिखा हुआ है अंग यानी कि इस साउंड को ऐसे लिखना है अंग का जहां आए जैसे मैं यहां बींग लिखू किंग ठीक है इस तरह से अंग की जहां पे ध्वनि आए तो उस इसमें इस, इस साउंड का यूज करेंगे ठीक है और न की जहां साउंड आए ध्वनि जहां आए वहां हम एन का यूज करेंगे ठीक है उसके बाद में लय ले का मतलब जहां लय का साउंड आए तो उसके लिए हम एल का यूज करेंगे जैसे मैं कहूं कि पुल पी यू एल एल तो देखो एल का आया है कॉल कॉल एल का साउंड आया है तो एल का साउंड आए तो इस एल का यूज करेंगे रे रे का है आर रिपीट रिपीट आर ई पी ई ए टी रिपीट ठीक है रे बोला फिर यहां पे मैंने लिखा रियली really. रियली really. तो जहां पर रे का साउंड निकले वहां इस रे का यूज करेंगे ये वाई ई ए आर ये यहां पर ये का जहां साउंड आए उसका जे होगा ये ध्यान रखना ये जे ये जे ठीक है ना जे जहां आए उसका साउंड क्या होता है ये होता है ठीक है यस आपके सामने क्या है मोनोथंग्स हैं इज ट्वेल्व मोनोथंग्स फिर देखिए मोनोथंग्स होते हैं वो ट्वेल्व होते हैं मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है और हम आपको यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं देखिए सबसे पहले जो आता है आपका ई आता है देखिए ई के दो साउंड होते हैं एक होता है बड़ा ई एक होता है छोटा ई बड़ा ई का मतलब हो गया कि जिस भी वर्ड के ऊपर ई की मात्रा है और उस पर स्ट्रेस लगे उस पर क्या लगे स्ट्रेस लगे जैसे मैं यहां पे क्या कहूं जोर दे के हम किसी चीज को बोलेंगे तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सी तो स का ये क्या हो गया ये हो गया स हो गया फिर यहाँ पे ई की मात्रा में ये आई हो गया ठीक है ये आई हो गया तो यहां पर बड़ा है ना सी देखो ये लगा दिया हमने ईट इट, इट नहीं देखो यहां मैंने लिखा इट यहां मैंने लिखा कि ईट तो यहां क्या हो गया आई और टी का टी ईट तो यहां पे क्या हो गया ईट उसके बाद में आता आपका पीपल तो यहाँ पे पै का पी ठीक है बड़ा यहाँ पे ये यह हो गया पी पल ये लग गया ठीक है एल का एल, ले का एल उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है छोटा छोटाई का सिट, सिट में कौन सा आ गया यहाँ पे क्या आ गया यहां छोटा आया है छोटा आया तो एस आई टी सिट का, का एस आई का आई टी का टी ये तो एज इट इज ही हो जाएगा उसके बाद में आता है इट इट में भी क्या हो गया इट का इट हो गया फिट में भी क्या हो गया फिट का फिट हो गया देखो ये तो सारे के सारे एज इट इज हो रहे हैं एफ है, है फ का फ एफ छोटा आई है आईटी आईटी स ये एज इट इज हो गया देखो समझ आया आपको जहाँ पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है वहां तो बड़ी ई की मात्रा आएगी और शोट में अगर हम बोल रहे हैं तो वहां छोटी ए की मात्रा आएगी उसके बाद में देखिए ए आता है और ये वाला ए तो यहां अगर ए छोटा आ गया जैसे कि टेन से तो टेन ठीक है ये हो गया टेन का भी टेन ही हो गया टे का टी ए, का ए, ने का, ए ने का ए वैसे ही से तो इसका देखिए से यहां पे सही होता है इसका सई सई हो गया ठीक है क्लियर हो रहा है समझ आ रहा है आपको इस तरह से हमारे जो साउंड होते हैं आता है बैज यानी कि ए की, की जहाँ पे आए जहाँ डबल उसका है बड़ा ए आए यानी छोटा ए आए उसका तो ये ई सिंबल हो गया बड़ा आए तो उसको इस तरह से अपन करेंगे यहाँ पर तो देखिए मैंने लिखा बी ए डी और एच ए टी तो बी ए डी बे का बी फिर यहाँ साउंड क्या बन गया ए बेट का डी इस तरह से ये बन गया है क्या, क्या हो गया हेट हैच फिर यहाँ आ गया ये वाला और टी हेट बेड तो एक ही जहां बड़ी मात्रा है वहां हम कंबाइन में करेंगे ये इस तरह से हो जाएगा फिर ये इस तरह से हो जाएगा ये वाला ट्रांसक्रिप्शन इसका होगा एग्जिट क्लियर नेक्स्ट में क्या आता है देखो ये वाला है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जहां पर शोर्ट में यू आए ओ आए साउंड एक आए जैसे कि मैंने बोला कम सी ओ एम ई कम देखो फिर मैंने लिखा बट बट का बी ए टी ठीक है उसके बाद में कप के और पी ठीक है ये हो गया बट है कम है तो इस तरह से यू आए ओ आए ठीक है और उसके बाद में ऐसे साउंड जो ए का साउंड निकाले बीच में ठीक है सोट के अंदर कम बट ठीक है जज 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 वाले में भी ए जो आएगा वो क्या आएगा यही आएगा जैसे कि अपन एक उसको करके देखते हैं जे यू डी जी ई जज ये वाला इंपोर्टेंट है पूछा हुआ है तो देखो ये जय है और ये जय है इसका क्या हो जाएगा डी जेड ये हो गया ये डी जेड ये इस तरह से बन गया ये जज समझ आया आपको इस तरह से हमारा जो ए का साउंड है वो ये वाला आपको कहाँ कहाँ यूज करना है आई एक्सप्लेन इट वेरी इजी वे ओके नेक्स्ट क्या आ गया ये वाला जहां साउंड निकले रे किसके साथ मिलकर निकलेगा यहां वोवल के साथ मिलकर और क्या आता है आर आए वोवल के साथ मिलकर क्या आए आर आए तो उस साउंड को हम क्या लिखेंगे आर जो है वो बोला नहीं जाता है आर वो इस तरह से बोला जाता है जैसे कि गर्ल बर्ड वल ठीक है तो यहाँ पे जो आर साउंड बोला हमने गर्ल वो आर नहीं बोला जाएगा आर यू गेटिंग मी और नॉट समझ आया जैसे मैं शब्द लिखू यहां पर जी आई आर एल ठीक है फिर मैंने लिखा यहाँ पर बी आई आर डी फिर मैंने लिखा एस एच आई आर टी देखो इनका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं गैल गे का जी फिर देखो ये वाला हो गया गैल ठीक है फिर ये बर्ड बी आई और यहां पे डे बर्ड फिर यहां आ गया स एच एच मिलकर कौन सा स बनाएगा ये वाला स बनाएगा ठीक है ये हो गया सट ठीक है भैया समझ आ रहा क्या इस तरह से देखिए जहां पर साउंड कौन सा निकले वोवल के साथ आर आए और साउंड निकले किसका ए का तब हम इसका यूज करेंगे बीच में बीच में लास्ट में जब आता है वो ये वाला आएगा जैसे इसमें क्या आ गया फादर मदर फार्मर देखिए ये वाला समझ दो आप इस वाले में आप समझना जैसे मैंने लिखा यहां एफ ए टी एच ई आर फादर लिखा तो देखिए एफ आ का ये हो गया द का ये हो गया और लास्ट में ये फादर फिर मैंने लिखा फार्मर ठीक है यहां मैंने क्या लिखा <आगँ> फार्मर शब्द लिखा लास्ट में कोई भी वोवल के साथ में मिलकर किसी भी वोवल के साथ मिलकर आ आता है उसमें हम इस ए का यूज करेंगे लास्ट में और फर्स्ट में क्या है फर्स्ट में प्रीफिक्स वर्ड बनाए जैसे अबाउट तो यहाँ पे देखो ए अबाउट ये हो गया अबाउट ये जो ग्लाइड साउंड है डिपथोंग है वो मिलकर इससे बना है अब ए यहां ये हो गया इस तरह से ठीक है तो इसमें हम लोग फादर हो गया फिर जैसे लिखा मैंने फार्मर एफ ए आर एम ई आर तो यहां क्या आ गया एफ फा ये हो गया ठीक है फार्मर समझ आया टीचर टी ई ए सी एच ई आर ये हो गया टी ठीक है टी ये हो गया फिर क्या हो गया च यहां पे सॉरी टी का क्या हो गया ये टी हो गया फिर बड़ा आ गया टी ई बड़ा है आई और यहां पे क्या आ गया हेलंत टाइप में आ गया चै का ये हो गया टी चय और ए ला समझ आया आपको समझ यानी कि का टी बड़ी ई की मात्रा में आई और ये वाला विसर्ग वाला ठीक है का का इस इस तरह से, इस तरह से से समझ जाओगे ये वाला इंपॉर्टेंट है इस तरह से आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं उसके बाद में आपका देखो क्या आता है आ का तो आ का भी मैंने लिखा ना यहाँ पे फा यानी कि वोवल के साथ मिलकर वोवल्स के साथ मिलकर आर आए ऐ का साउंड दे तब तो हम ये वाला यूज करेंगे आ का साउंड दे तब हम ये वाला यूज करेंगे समझ आया क्या आपको जैसे मैंने लिखा बी आई आर डी तो यहाँ बी और यहाँ क्या हो गया ये और ये क्या हो गया बर्ड फिर मैंने लिखा यहाँ पे फार्मर तो देखो आ की आया है इसमें साउंड इसमें किसका साउंड आया है आ का साउंड आया है ठीक है आ का साउंड आया है तो यहाँ देखो वोवल प्लस आर आ का साउंड आया है तो ये वाला यूज करेंगे इसमें क्लियर हो गया उसके बाद में आ गया आपका ये हो ही गया दूसरा आता है ओ गोट बॉस सॉरी तो यहाँ पर ओ जहाँ आए और पूरा ओ की जहां आए तो इसमें हम ये वाला साउंड का यूज करेंगे जैसे कि गॉट ठीक है यहाँ आ गया जैसे कि गय का जी फिर यहाँ ये ओ ये टी गॉट बॉस बी ओ ठीक है और क्या आ गया बो सै का एस ये रहा ठीक है सो so, तो यहाँ सह का एस ओ ठीक है री री आया ना री बड़ा ई की मात्रा है वाई भी क्या होता है वोवल्स होता है इसलिए साउंड किसका देता है वोवल्स का साउंड देता है तो सॉरी समझ आए क्या इस तरह से ये जो है डी इस तरह का ये जो है आएगा इसमें सिंबल आएगा इसे समझ आ रहा है ना आपको उसके बाद में देखिए ये वाला ऊ है ठीक है ऊ है छोटा ऊ और बड़ा ऊ जहां पे पुट बुक ठीक है यहां पे क्या आ गया बुक बुक नहीं बोलते हम बुक बोलते हैं पुट नहीं बोलते हम पुट बोलते हैं तो यहां प का पी ऊ का ऊ ट का टी ब का बी ऊ का ए क का ए, देखो समझ आ रहा ना उसके बाद में देखे उ आ गया टू यहाँ पे टू इसको टू नहीं बोलेंगे टू बोलेंगे फिर आ गया टूल टूल लेका एल यहां पे बूट यहाँ पे इस तरह से का ये हो गया समझ है ना फूल एक और शब्द देखो एफ डब्लू एल फूल तो एफ का एफ ऊ और ले फूल समझ आया आपको उसके बाद में जैसा कि ओ यहाँ पे सो स आ गया और ये वाला सो टी आ गया ओ आ गया यहाँ पे एल एलटल सो ये हो गया इस तरह से आपको जो मोनोथंग्स होते हैं वो हैं उसके बाद में देखिए शॉर्ट में जो एट ग्लाइड्स होते हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में फटाक से समझा देता हूँ उसके बाद में आपके सामने आते हैं हमारे जो ग्लाइड सोंग होते हैं जो हमारे डिपथोंग होते हैं जो एट होते हैं डी आई पी टी एच ओ एन जी एस डिपथोंग होंगे वो एट होते हैं जैसे मैंने बोला ए ओ आऊ एके यहाँ पे आ गया आई ये आपको कंबाइंड जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो उसमें हेल्पफुल होंगे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए शब्द है तो गेट वेट वेन तो देखो गेट का करके देखते हैं गे का क्या हो गया जी हो गया ठीक है ना गे एच ये हो गया इस तरह से इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा गेट क्लियर हो गया वैसे ही वेट डब्ल्यू का डब्ल्यू एच इन यहां वी एन ये हो गया इस तरह से समझ आया आपको उसके बाद में नेक्स्ट आया ओ boil. तो यहां आ गया बे, बे का, बी ऑयल ले का एल ऑयल ओ यहां ये यह हो गया यहां ओ oil. ठीक है टय यहां टी या Toy. समझ आए आपको उसके बाद में आता है औ नौ होता है इसका इसको हम नाउ नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे नाउ होता है नौ नहीं बोलेंगे उसको ये वाला देखो नो ये नो और ये नो इसको बोलेंगे नौ इसको बोलेंगे नाव इसको बोलेंगे नौ इसको बोलेंगे नाव तो यहाँ पे ये क्या हो गया नाउ में एन तो ये तो नाव साउट एस एच क्या होता है भाई ये वाला ठीक है आउ ठीक है का टी साउट ट्रांसक्रिप्शन करना इजी है ना देखो उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है जी ओ इसको हम बोलेंगे गौ नौ हाउ हाउस ठीक है गौ का क्या हो जाएगा ग का जी और ए और ओ गौ न का एन फिर यहाँ पे ए और फिर यू नऊ हाउम का है का एच ए ओ, ठीक है और मै हउ इस तरह से ये हाउस का हो जाएगा उसके बाद में ई ए न ठीक है ई ए नी ठीक है ए, ए ठीक है, टे का, टी ए, ए टी लास्ट में आर आ रहा है वो इसी में कंबाइंड है आर का लिखा नहीं जाएगा क्लियर कै ले का एल ठीक है फिर यहाँ क्या आ जाएगा ई ए क्लियर, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके बाद में यहां आ गया ऊ ए पै का पी ऊ ए यहाँ टू ए टू ए समझ आ रहा है? उसके बाद में आ गया ई ए, ए मैंने की ई e का और ए का साउंड मिला के क्या बना ए बना है एच ठीक है ई e, है फेर एफ उसके बाद में ये बन गया क्लियर हो रहा है उसके बाद में आपका जैसे जैसे कि ये आ गया आई तो इसका क्या बने है? आई बन गया ये लो ठीक है ब्राइट बी फिर रे का आर आई ब्राइट टाइगर टैका टी आई फिर क्या हो जाएगा टाई गै का क्या बना जी और लास्ट में ई आर ओ आर आई ध्वनि ए की निकले हम क्या लगाएंगे ए ये रहा। देखो कई बार क्या होता है यहाँ पे आपको कोष्टक में आर ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पांच या छह सात वर्ड हम लेते हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन करके देखते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो आपकी स्पेशली एग्जाम में भी पूछे गए हैं ऐसे सेंटेंसेज जो हैं ऐसे जो वर्ड्स जो हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए मैं इनको चेंज करने का आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ यहाँ पे है देखिए फुल है तो यहाँ फुल नहीं है फुल है फुल में एफ ओ ठीक है और लय का एल फुल हो गया एक होता है ये वाला सी एल एस एक होता है सी एल ए यूएसई ये वाला सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है तो देखिए इसको तो हम बोलेंगे क्लाउज ठीक है और ये होता है कैलउज ये हो गया क्लोज ठीक है ये क्लाउज होता है ये क्लोज होता है ये ध्यान रखना क्लोज को क्लाउज बोलेंगे क्लाउज को क्लोज बोलेंगे पोनंशियसन बिकॉज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड्स ऑन पोनसिएशन द प्रनिएशन इफ द दिएशन इज नीट एंड क्लीन देर इज नो डिफिकल्टी टू चेंज द दिन टू ट्रांसक्रिप्शन समझ गए ना मेरी बात कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यूर ट्रांसक्रिप्शन इफ यू साउंड

इसको हम विलेज नहीं बोलेंगे विलेज बोलेंगे ठीक है उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है बी ए बी वाई इसको बेबी नहीं बेबी बोलेंगे इसको बी ए देखिए ये वाला ऐसे हो गया बेबी यहाँ पे वाई है यहाँ आई आ गया ठीक है उसके बाद में ये क्लोज वाला हो गया एच आ गया ई e बड़ा आ गया और लय हील फूल बड़ा आ गया ये हो गया ये यहाँ पे ये होता है ये होता है तो ये का ये हो गया ठीक है ई और यहाँ पे ई इस तरह से बन गया उसके बाद में एज तो एज का क्या बना भाई जे का कौन सा बताया था में? क्या बना ये एज जैसे मैंने बताया ना जे वाला क्या हो गया डी जेड हो गया तो देखो ए ए का ई जे यहां डी जेड ये एज होगा एक ये एज है इसको बोलेंगे एज एज ये एज ये एज ठीक है उसके बाद में ग्रीट जी आ गया री बड़ी ई की मात्रा री और ये हो गया ग्रीट ये देखो समझ आया आपको इस तरह से आपको ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है साउंड्स मैंने वन बाय वन करके एक एक समझाए हैं कि किस साउंड का कहाँ पे यूज करना है ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग माय वीडियो